हेलो जी, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मारिया हेलो कह दो जल्दी से। हेलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं हूँ इस चैनल पे एक भिखारी जो आपसे भीख मांगती रहती है, लेकिन फिर भी गाइस आप बहुत बहुत बड़ी न्यूज लेके आए हैं इस दफा। हम लोग सच्ची में बहुत बड़ी न्यूज लेके आए हैं। ऐसा है कि आईसीसी पे हम लोग बात करेंगे आज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पाकिस्तान, पीसीबी, बीसीसीआई, ये सारी बातें होंगी। पॉइंट ये है कि अब जो सिचुएशन बन चुकी है हमारी, हमारी से पहले डिस्कशन करते हैं। पाकिस्तान ने मतलब बिल्कुल बोला है कि भाई मैंने तो भाई पाकिस्तान में ही मैच करवाने, मैंने इतना महंगा लाहौर में स्टेडियम बनाया, क्या नाम है, कजाफी स्टेडियम, और हमने बॉर्डर पे भी सिक्योरिटी वगैरह प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी देने को हम तैयार है। प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी, ठीक है, सिर्फ कुछ प्लेयर्स को, ठीक है, उनकी दुनिया में रिस्पेक्ट होगी, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट से ज्यादा तो नहीं होती किसी भी प्लेयर की रिस्पेक्ट। तो इतनी बड़ी हमने बात कर दी और इंडिया से बोला कि हमें रिटर्न फॉर्म में दे, तुझे क्या मसला है भाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम दैट यू हैव विद अस। तो इंडिया ने बोला कि मैं रिटर्न फॉर्म में दूंगा, पता नहीं वो क्या देगा। और आईसीसी का भी जो लेटेस्ट, जो सबसे लेटेस्ट, एक सिर्फ एक लाइन में सम कर रहा हूँ, उन्होंने बोला है कि भाई या तो तुम लोग आपस में खुद फैसला करो, नहीं तो हम एक वोटिंग कराएंगे। और वोटिंग में कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऑब्वियसली होगा, पाकिस्तान, इंडिया परमानेंट मेंबर्स है, और जिम्बाब्वे है, बांग्लादेश है, मतलब वेस्ट इंडीज सारे हैं, तो ये तो क्रिकेट टीम है। तो जो अपार्ट फ्रॉम दैट मेंबर्स हैं, वो एक मलेशिया है, एक सिंगापुर है, और एक आई गेस ये मतलब गल्फ कंट्रीज में से एक है, जो कि मतलब एसोसिएट है, हु आर लाइक पेयर, जो कि पे करते हैं। तो अब वो अगर वोटिंग करेंगे कि भाई इंडिया का स्टांस क्या है, अगर इंडिया को 7 वोट पड़ते हैं, हमें कोई 5 पड़ते हैं, तो हम लोग हार जाएंगे, मतलब इस तरह का सिनेरियो होने वाला है। तो मालिया, व्हाट डू यू थिंक, क्या हमें इस हद तक जाना चाहिए? एक्चुअली मुझे तो नहीं लगता हमें इस हद तक बिल्कुल भी नहीं जाना एंड चाहिए। जस्ट वन मोर थिंग मैं आपको ऐड कर दूं कि इंडिया ने जो उनकी कबड्डी टीम आ रही थी, जो हमने लास्ट में बताया था कि कबड्डी टीम को क्यों भेज रहे हो, तो इंडिया ने कहा हम कबड्डी टीम भी नहीं भेज रहे। पता नहीं लगता मुझे उनकी बोर्ड ने हमारी वीडियो देख ली है। व्हाई यू गाइस डूइंग दिस टू अस? इट्स सो स्ट्रेंज। ठीक है, देखो आपको सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, तो हम दोबारा से वही बात करेंगे जो पिछली वीडियो में की थी। ऑस्ट्रेलिया का वो स्थित क्यों नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इधर क्यों आया था, पिंडी में, पिंडी गया ऑस्ट्रेलिया, लाहौर नहीं गया, कराची नहीं गया, पिंडी, इतना इतना सा मतलब पाकिस्तान, इतना तो पिंडी, इससे भी छोटा सा है वो, उधर गया आपको वो। आपको क्यों लगता है कि इतने थ्रेट्स इश्यू, उनको आखिर डर है किस चीज का? ऐसा क्या उनके डर साथ हुआ ये था? है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था उनके साथ। श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ था, वो हम मानते हैं हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने ओवरकम किया और श्रीलंका की टीम खुद आके भी खेल के गई है, जिन पे अटैक हुआ वो आके खेल के गए हैं, ठीक है। तो इंडिया को थ्रेट सिर्फ ये है कि उस टाइम जो उधर गवर्नमेंट रूल, अच्छा मनमोहन सिंह थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक टाइम पे, आज से कोई 20 साल पहले, तो 18-20 साल पहले, कंफर्म नहीं है। तो भाई उस टाइम चाइल्ड अफरीदी, शुएब अख्तर सारे उधर गए हुए थे इंडिया, अगर आप लोगों को, बल्कि काफ़ी फेमस सीन है, और आईफा में और स्टार प्लस में बैठे हुए थे चाइल्ड अफरीदी और ये सारे मले क्रिकेटर्स, और करीना कपूर उनके सामने डांस कर रही थी, दिया मिर्जा भी डांस कर रही थी, एंड ये सब सीटी मीटिया मार रहे थे, काफ़ी मतलब अच्छा माहौल था ना। तो हम लोग तो उधर गए थे और मतलब एक्टर्स भी इंस्पायर्ड थे क्रिकेटर्स से, जैसे सानिया मिर्जा की शादी हुई थी शुएब मलिक से, आपको पता होगा, अब तो खैर डिवोर्स हो गई है। तो अगर आपकी गवर्नमेंट अच्छी हो ना, तो वो अच्छे फैसले करती है। अब जैसे हम लोग मतलब चाहते हैं कि यार ट्रेड हो, ये चीज़ें हो, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि इंडिया की जो उस टाइम करंट वो है गवर्नमेंट, हुकूमत है, उनका एक ही स्टांस है कि भाई पाकिस्तान को तबाह करना है हमने, तो इस वजह से हमें वोट मिलना है। जैसे हमारे इधर अगर किसी मुल्ले की या किसी मौलवी की या किसी फुल वो के नाम है जहादी बंदे की हुकूमत आ जाए, तो वो भी कहेगा भाई मैंने इंडिया को तबाह करना है, मैं इस चीज़ पर वोट लूंगा, मैंने इसराइल को तबाह करना है, मैं इस चीज़ पर वोट लूंगा। तो मेरी नज़र में तो सिर्फ यही है कि अगर कोई मतलब सेकुलर पार्टी आती है इंडिया में, तो उसका स्टांस होगा कि भाई हाँ ठीक है, पाकिस्तान कोई दुश्मन नहीं है, तो मतलब ट्रेड कर सकते हैं, खेल सकते हैं वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पार्टी का मतलब बुनियाद ही है कि भाई उसने मुसलमानों को हेट करना है और पाकिस्तान मतलब वोट बैंक ही उसका वही है, तो वो तो मतलब करेगी ऑब्वियसली। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वोटिंग सिस्टम हुआ तो हमें क्या लगना था कि किसका पल्ला भारी है, तो हम लोग गैस करवाते हैं मारिया से, एक फनी सा गेम करते हैं, मारिया तुम्हें क्या लगता है? लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग दोबारा से गैस करवाते हैं मारिया से कि यू नीड टू गिव मी द ऑप्शंस इफ यू वांट मी टू गेस। तो प्रॉब्लम ये है हम लोग मारिया से, अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग मारिया से ही जानेंगे कि हम लोग किस तरह से मतलब कौन किसको वोट देगा, ये जानते हैं मारिया। ऑस्ट्रेलिया किसको वोट देगा, पाकिस्तान या इंडिया? इंडिया ओके तो वैसे विराट कोहली बहुत गाली है रिलेटा वहां जाकर, मुझे नहीं लगता इंडिया का वोट देगा विराट से बड़ी, वो मतलब कुत्ते हुआ कुछ इट इट कुत्ते नहीं, आईपीएल खेलते ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड किसको वोट देगा, पाकिस्तान या इंडिया? इंडिया दुबई किसको वोट देगा, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान
ओके इंडिया तो पाकिस्तान 3 जा रहा है, मतलब मलेशिया किसको वोट देगा, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान। सिंगापुर किसको वोट देगा? इंडिया। बट ओके ओके ठीक है, हाँ क्रिश मूवी की शूटिंग हुई थी उधर, इसी वजह से वो दे देगा। अब बात करते हैं कालों की। मैं बिल्कुल मतलब मैं खुद काला हूँ। I need to tell you guys, this man is a very racist man. मेरे मतलब क्रिस गेल, मेरे भाई, मेरे शक्ल भाई जैसे क्रिस गेल भाई साहब, टीवीएन ब्रावो मूवी का नाम याद है, डीजे ब्रावो चैंपियन, चैंपियन डीजे ब्रावो। गाइस यू शुड नो कि इस आदमी, गाइस मारिए मुझे बताओ, वेस्ट इंडीज किसको वोट देगा, मतलब जो डार्क स्किन के लोग हैं वो किसको वोट देंगे, पाकिस्तान या इंडिया? उन्हें पाकिस्तानियों को देना ही नहीं चाहिए, उन्हें इंडियंस को ही देना चाहिए। और जिम्बाब्वे किसको देगा? वैसे हाँ जिम्बाब्वे से ज्यादा है, पाकिस्तान को बड़ी चित्रोल हुई है, चित्रोल मतलब कुट मार मार पड़ी है पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से आज तो पड़ी सैड न्यूज। तो वो किसको देगा? इंडिया को। तो आज हम इस पे स्टांस पे खत्म करते हैं कि अगर वो तो वोटिंग हो गई है, लाइट में ठीक करो, अगर तो वोटिंग हो गई तो पाकिस्तान हारेगा भाई, और हमें हाईब्रिड। और अच्छा हाँ वन लास्ट थिंग मारिया, कि जो भी वो बोर्ड फैसला करेगा, अगर उस बोर्ड ने बोल दिया ना आईसीसी ने कि भाई साहब इंडिया पाकिस्तान जाए अगर वोटिंग में पाकिस्तान जीता है, तो इंडिया को आना ही पड़ेगा, क्योंकि रीज़न इसका ये है क्योंकि वो बोर्ड भी कहेगा भाई आपने अपने आखिरी जोर तक लगा ली, लेकिन या तो अपने आप क्रिकेट ही बंद कर दो, तो बीसीसीआई को उधर तो हार माननी पड़ेगी। उधर अगर बीसीसीआई रिटर्न में देता है कि मुझे सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, तो आईसीसी की मेंबरशिप ही उसकी शर्त खत्म हो जाए, क्योंकि आईसीसी बोलेगा हमारे वर्ल्ड लेवल की टीम, वर्ल्ड इलेवन जो पूरी दुनिया से एक एक प्लेयर वो उठाते हैं, वर्ल्ड इलेवन उसे कहते हैं कि सबसे टॉप प्लेयर्स, तो अगर वो जाकर खेल के आ सकते हैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी चेक करने के लिए आज से 6-7 साल पहले, तुम लोग क्यों नहीं आ सकते? तो भाई इस टाइम तो पाकिस्तान का 15 फिलहाल तक तो भारी लग रहा है। एनीवेज हम कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आएगी तो हम लोग लेके आएंगे, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मारियो बाय करते हैं, बाय 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 गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना ख्याल रखें, बाय बाय।